ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको अभी तक, है ना? तो लास्ट जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है दैट इज अमाइन्स। तो अमाइन्स में जो सबसे पहले हुई प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स, ठीक है। तो प्रणय डाउट्स वाउट्स पूछो यार, है ना? मैं पहले बोला आप लोग क्वेश्चंस करो, डाउट्स पूछो, ठीक है। फ्लेट्स की टोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, काफी जो भी आ रहे हैं डाउट्स, ठीक है प्रणय, किसी को भी, ठीक है। ईशा, भारत, शुड डू क्वेश्चंस और फिर आज डाउट्स। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है प्रणय। फिर जी के क्वेश्चंस पर किसी भी का और डाउट्स पूछ, सेंड कर दिया करो डाउट्स। तो अमाइंस का प्रिपरेशन का सबसे पहले बच्चों चार सीधे सीधे मेथड्स हो जाते हैं रिडक्शन के, ना? चार सीधे सीधे रिडक्शन के मेथड्स हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल्स का रिडक्शन, RCN का रिडक्शन, है ना? पढ़ा भी हमने 10HCl, स्टीफंस रिडक्शन बोलते हैं। दोनों स्टेप पे हो जाएगा, 10HCl से दो दो स्टेप पे हो जाएगा, है ना? हमने एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में क्या किया था, SnCl2HCl, उससे वन स्टेप का रिडक्शन होता था, ठीक है? देखो ध्यान से सब लोग, डिफरेंस हमारा एक स्टेप और दो स्टेप है, दोनों ही स्टीफंस रिडक्शन। ठीक है बच्चों, ये एक स्टेप का रिडक्शन करके हम हाइड्रोलिसिस करते तो एल्डिहाइड बनता था, याद होगा आपको, ठीक है भरत? लेकिन एसेंस HCl से दोनों स्टेप का रिडक्शन, HHHH, LiLH4 से भी दोनों स्टेप का, है ना? डिबाल एच से एक स्टेप होता था, आपको याद होगा, डिबाल एच से एक स्टेप होता था। ये सब आपको समझ आना चाहिए, रिडक्शन में एक स्टेप कौन कर रहा है, दो स्टेप कौन कर रहा है, समझ आ रहे हो? क्लियर है प्रणय? H2PD, ये भी दो स्टेप, वन डिग्री अमाइंस बनते हैं नाइट्राइल्स के रिडक्शन से, व्हाट वी गेट, वन डिग्री अमाइंस। सोडियम एल्कोहल से भी रिडक्शन होता है, एनी मेटल एच प्लस, मेटल एच प्लस, मेटल एच, ठीक है। दिस इज अगेन, इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, मेंडियस। चार तरह से हम इसको रिडक्शन कर सकते हैं, इसका नाइट्राइल्स का रिडक्शन टू वन डिग्री माइनस। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे बच्चों वन डिग्री क्या होता है, टू डिग्री क्या होता है, थ्री डिग्री क्या होता है, वो भी एक बार देख लेते हैं माइंस में, ठीक है। ये कौन सा माइंस होगा भरत, व्हिच वन विल बी दिस? व्हिच अमाइन सर, प्लीज अलाउ मी टू एनोटेट, आई कैन शो इट। ओके, अलाउ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यू कैन, यस, थ्री डिग्री, नहीं नहीं अब तो हटा दे इसको ना, एक तो गलत आंसर लिखा और खराब कर दिया, हटा दे, रिमूव इट। तो भरत ये सर, इट इज वन डिग्री अमाइन सर, दिस इज लुकिंग सिमिलर टू अ थ्री डिग्री, या बट या वही इसमें पंगा है भरत, इसमें नाइट्रोजन पे देखते हैं, नाइट्रोजन पे कितने कार्बन लगे हुए, ठीक है, नाइट्रोजन पे कितने अल्काइल ग्रुप है, समझ में आ रही बात भरत? ये आपको ध्यान से करना है ना, नाइट्रोजन पे जब दो साइड से कार्बन होंगे तो वो टू डिग्री माइन होगा, या फिर एक और तरीका है, अगर एक एच है तो टू डिग्री माइन है क्योंकि दो साइड से कार्बन है, समझ आ रहा है? थ्री डिग्री माइन के लिए भरत एक भी एच नहीं होगा नाइट्रोजन पे, तो तीनों साइड से कार्बन से सब्सटीट्यूटेड होगा, यहाँ पे इसको थ्री डिग्री माइन बोलते हैं, भरत डिफरेंस। सो ये ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप थ्री डिग्री है लेकिन अमाइन ये वन डिग्री है,
बिकॉज एक साइड से नाइट्रोजन एक ही साइड से कार्बन से अटैच है. ऑलराइट, तो बच्चे इसमें नाइट्रोजन पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उससे हम डिसाइड करते हैं ये कौन सा एमाइन है, वन डिग्री प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है. समझ आ रहा है? सो दिस इज 2 degree एमाइन एंड दिस इज 3 degree एमाइन. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस, सिंपल है. एच कितने हैं वहां से भी डिसाइड हो जाता है. 2H मतलब एक साइड कार्बन है. नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, 2 एच मतलब एक साइड कार्बन है, तो 1 degree एमाइन. क्लियर है भरत? और एक भी एच नहीं है मतलब तीनों साइड कार्बन है, एक एच है मतलब 2 कार्बन है, 2 degree एमाइन. ऑलराइट, ओके सर, कैन यू स्क्रॉल अप फॉर अ फ्यू मिनट्स? श्योर. ठीक है, उसको लिख लिया. तो पहला जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, 4 तरह के रिडक्शन है, 4 लोगों के रिडक्शन करने. फिर सेकंड है रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स, सिमिलरली आरएनसी, आरएनसी का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, 2 degree एमाइन, RNHCH3, एक साइड अल्काइल ग्रुप रहेगा, है ना, रिडक्शन सेम, सब कुछ सेम, LiLH4 NHCl सबसे होगा, मैंडियस से भी होगा. सिर्फ क्या डिफरेंस आ गया उसमें यहाँ पे, 2 degree एमाइन. सर आई हैव अ क्वेश्चन. या प्लीज सर, इन द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस which reagent will is to be preferred? NHCl. Sorry. NHCl. Metal H+ is preferred. It gives the highest yield. Yeah, it gives the highest yield. Rest are expensive also, right? Rest are expensive also, na? But सिर्फ एक yield ही एक reason नहीं होता. जैसे LiLH4 थोड़ा महंगा जुगाड़ है ना? हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, हाँ वो भी वो एक्सपेंसिव होता है. और सोडियम इज नॉट ना, सोडियम में आग वाग लगने का खतरा रहता है ना, एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो इसलिए ना नॉट फीजिबल टू यूज इट, नॉट. ठीक है, तो TNHCl इज द बेस्ट. ऑलराइट भरत, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, है ना, तो 3 चीज मैंने बोला, 4 चीजों का रिडक्शन होगा, CnNcNO2. इसके लिए जो बेस्ट वो ये TNHCl और IronHCl, मेटल एच प्लस. ठीक है भरत, 1 degree एमाइन अगेन, 1 degree एमाइन. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से NLN बनाते हैं बहुत मजे में, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रेशन है ना, नाइट्रेशन रिएक्शन जानते हो आप. बेंजीन से अगर हमें बनाना होगा एनिलिन, बेंजीन से एनिलिन बनाने के लिए पहले नाइट्रेशन करेंगे फिर ये करेंगे.
क्लियर है दोस्तों। तो बेंजीन से अगर मेरे को एनिलीन बनाना हो, ये बहुत ही कॉमन सा कन्वर्जन है बोर्ड वगैरह के लिए, तो नाइट्रो बेंजीन बनाया, नाइट्रेशन कराया, और उसके बाद ये आयरन एच सी एल। आयरन एच सी एल इज अगेन प्रेफर्ड मेथड टू फॉर्म एनिलीन। ऑल राइट, समझ आ रहा है? फोर्थ और लास्ट रिडक्शन है। कैन यू स्क्रॉल अप? या श्योर। फोर्थ और लास्ट है जो रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स का रिडक्शन। एमाइड्स मतलब आर सी ओ एन एच टू, ठीक है, आर सी ओ एन एच टू। इसका रिडक्शन LiElH4 से RCH2NH2, फिर से 1 डिग्री में, है ना, 1 डिग्री एमाइंस की यहाँ पे मेनली हम बना पा रहे हैं इन मेथड से। बात समझ आ रही सबको? ठीक, तो चार चीजों के रिडक्शन से एमाइड्स, नाइट्रो, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, चार चीजों के रिडक्शन से एमाइंस बनते हैं। तीन से तो 1 डिग्री एमाइन ही बन रहे हैं, और एक एनसी से, एनसी मतलब आइसोनाइट्राइल से 2 डिग्री एमाइन। ठीक है भरत, लिख लिया ये? ठीक है, समझ आने बात? भरत, भरत स्कूल खुल गई क्या? यस। ओके, मतलब फिजिकली या फिर ऑनलाइन क्लासेस? सर, आई विल जॉइन फिजिकली। ओके, फ्रॉम व्हिच, मतलब फ्रॉम व्हिच डेट? हैव ऑफलाइन क्लासेस स्टार्टेड? तो मैं तो उसका पूछ रहा हूँ, स्कूल का आपके? नहीं नहीं स्कूल में ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पे तो अभी ऑफलाइन तो अलाउड ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इज गैब्रियल इफ्थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल इफ्थैलेमाइड सिंथेसिस, इफ्थैलेमाइड इज दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज इफ्थैलेमाइड। ठीक है, ठीक है, प्रणय समझ आ रहा है ये चीज? ठीक, तो यहां पे वही होगा बच्चों जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, एल्काइल हैलाइड्स में भी, कि जबरदस्ती न्यूक्लियोफाइल बना के, है ना, SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे भी, देखना। तो इसको पहले बेस से रिएक्ट कराते हैं, KOH से, KOH से रिएक्ट कराते हैं, तो ये एसिडिक एच है। कैसा एच है? ये एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, और NK सॉल्ट बन जाता है, NK। ठीक है प्रणय, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। बेसिकली क्या बन गया प्रणय? ये न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बनाया हमने, फिर इसको एल्काइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन कराते, है ना, एल्काइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन कराते। ठीक है प्रणय, समझ आ रहा है? तो KX निकल जाता है, आपको पता है एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन निकलेगा, और के साथ में, तो NR क्या आ जाएगा यहाँ पे? NR आ जाएगा। तो बेसिकली इफ्थैलेमाइड में बच्चों हम H की जगह पहले K लाए, H को K से सब्स्टिट्यूट किया, फिर H की जगह, फिर K की जगह R आ गया ना, अल्टीमेटली H की जगह R आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया। तो जो भी हमें एमाइन प्रिपेयर करना होता है, जितने भी कार्बन का, वो वाला एल्काइल ग्रुप लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस से हमेशा, मैंने आपको बताया, ये यहाँ से खुलता है,
OH आता है, क्या आता है यहाँ पे OH और N पे H, OH H हाइड्रोलिसिस। सिमिलरली इधर भी यहां से भी खुल जाएगा ये, समझा रहे बच्चों? तो N पे दो दो H आ जाएंगे और उधर COH COH RNH2 बन जाएगा, फिर से 1 डिग्री अमाइन इज प्रिपेयर्ड। जितने कार्बन का अमाइन प्रिपेयर करना है उतनी कार्बन का हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ऑलराइट, जो स्ट्रक्चर जो शक्ल चाहिए होती है अमाइन की वैसा ही हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वैसा ही यहाँ पे बन जाता है। साथ में ये बनता है बेंजीन पे दो COH जिसको इफ्थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इफ्थैलिक एसिड। कुछ कॉमन नेम्स ये याद भी रखने हैं इफ्थैलिक एसिड जैसे, क्योंकि लास्ट में जब पॉलीमर्स चैप्टर होगा, गंदे गंदे चैप्टर्स होंगे पॉलीमर्स, तो वहां पर आपको याद करना होगा ये सब दो तीन, एक एक पॉलीमर में ये काम करेगा। ठीक है, चलो देख लो मेथड। गैब्रियल इफ्थैलिमाइड सिंथेसिस, इफ्थैलिमाइड में H की जगह K आया, फिर K की जगह R आ गया और फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, उससे RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन बन गया। क्लियर है बच्चों, समझ आ रही बात? इस रिएक्शंस की क्या क्या खासियत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ओनली 1 डिग्री अमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Aniline cannot be prepared by this method. Very important. Aniline cannot be prepared by this method. कोई बताएगा क्यों? क्या रीजन होगा इसका? सेम रीजन जो बच्चों वहां पे था, कहां पे था? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में था। ये एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, है ना? एनिलिन बनाना होगा तो आर को क्या होना पड़ेगा? बेंजीन रिंग होना पड़ेगा, और बेंजीन रिंग होगा तो ये एराइल हैलाइड पे SN2 होगा ही, है ना? तो जो SN2 के लिमिटेशंस है वही इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे गैब्रियल इफ्थैलिमाइड सिंथेसिस के। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, ठीक है भरत, एनी डाउट? नो डाउट। सो एनिलिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज एराइल हैलाइड कैन नॉट अंडरगो SN2 as aryl halide cannot undergo SN2. ठीक है भरत। और भरत इस टाइप का 1 डिग्री अमाइन भी इस टाइप का है, ये 1 डिग्री अमाइन ही है ना, आपको समझ आएगी, ये 1 डिग्री अमाइन ही है, लेकिन इसमें 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा तो उस पे सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाएगा, SN2 नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो जो लिमिटेशंस SN2 के थे वही बच्चों यहां पर भी लिमिटेशंस हो जाएंगे। समझ आ रही बात? ऐसा 1 डिग्री भी हम नहीं बना सकते। ठीक, तो एनिलिन वाला तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया बोर्ड के लिए, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं जेईई मेंस वगैरह में। इसमें भी ये विनाइल, इसमें विनाइल हैलाइड लगेगा, ये भी कांट बी प्रिपेयर्ड, वो भी SN2 नहीं देगा। प्रणय समझ आ रहा है? yes. तो ये इस मेथड को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं गैब्रियल इफ्थैलिमाइड सिंथेसिस। ये जो समझ आया गैब्रियल इफ्थैलिमाइड सिंथेसिस, इफ्थैलिमाइड का प्रिपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख सकते हो आप चाहे तो, है ना? अमोनिया के साथ हीट करते हैं
अमोनिया के साथ हीट करने पे क्या होता है, एफथैलिक एसिड, ये है एफथैलिक एसिड। हमने किया ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं बच्चों ना, तो एक एक पानी उड़ेगा, ऑलराइट, एक स्टेप पे क्या बनते हैं, एमाइड्स बनते हैं ना, क्या बनते हैं, एमाइड्स सबसे पहले। इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ये इस पे अटैक करता है और अमोनिया, अमोनिया भी निकल जाता है, क्या निकल जाता है, अमोनिया और एफथैलिमाइड बन जाता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, ये सब चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आ सकती हैं। एफथैलिमाइड एफथैलिक एसिड से बनता है। क्लियर एवरीवन? तो ये है गैब्रियल एफथैलेमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। Hoffman bromide degradation reaction, RCONH2 है ना, amides को जब हम bromine और KOH के साथ, या bromine और NaOH के साथ react कराते हैं, ठीक है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन होता है यहाँ पे, एक कार्बन कम हो जाता है, ये वाला कार्बन उड़ जाता है, CO2 की फॉर्म में निकलता है, कैसे निकलता है वो देखेंगे बाद में, बाकी आपको अच्छे से याद रखनी है रिएक्शन, अमाइड्स को ब्रोमीन के OH के साथ जब रिएक्ट कराते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये CO निकल जाता है, बस 1 डिग्री अमाइन बन जाता है, फिर से RNH2 डिग्रेडेशन हो गया, एक कार्बन कम हो गया, है ना। अभी ऊपर आपने एक रिएक्शन देखी थी कि भाई एमाइड्स का रिडक्शन, एमाइड्स के डायरेक्ट रिडक्शन करोगे तो कार्बन कम नहीं होंगे, क्लियर, कार्बन कम नहीं होंगे, लेकिन अगर हमें डिग्रेडेशन करना है, कार्बन कम करना है, ऐसे कन्वर्जन आएंगे जो आपका, ऐसे कन्वर्जन आएंगे तो एक कार्बन जब कम करना होगा तो इस टाइप की हरकत हम करेंगे, डिग्रेडेशन करा देंगे, समझ में आ रही बात, इस रिएक्शन में CO2 निकल जाता है, ये CO2 की फॉर्म में निकलता है, बाकी KBr, HBr ये सब निकलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसमें बच्चों और क्या ध्यान रखना है हमें, कि
ये जो ब्रोमीन और KOH है ना, आपको आपने अभी पढ़ा था आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म में क्या होता था, आयोडीन KOH, आयोडीन NaOH, याद है? बिल्कुल, तो ये आयोडोफॉर्म वाला ही रिएजेंट है पहली बात तो, और इसका काम भी कुछ कुछ वैसा सही होता है। तो जैसे वहां पे मैंने बताया था आपको सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOIP, NaOH और आयोडीन की जगह NaOIP लेते थे, यहाँ पर भी बच्चों KOBR या NOBR लिखा हुआ हो तो भी ये वो ही काम करेगा, ब्रोमीन KOH या ब्रोमीन NaOH वाला। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, अगेन दिस रिएजेंट इज सेम एज ऊपर वाला NaOI, इज सेम एज आयोडीन NaOH, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, समझ आ रहा? तो ये दोनों रिएक्शन जो बीच में बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, अच्छे से याद रखना। हॉफमैन ब्रोमाइड अभी भी सिर्फ ये 1 डिग्री एम आई बना पा रहे हैं इससे भी, ठीक है भरत, लिख लिया ये। कुछ कन्वर्जन्स के 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी में भी और बोर्ड वगैरह में आते हैं, करके बताओ मेरे को एक बार। इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन करो चो एक बार। कार्बन इंक्रीज करने के लिए CN डालेंगे, क्या डालेंगे? CN, हाँ क्या डालेंगे? KCN है ना, CN माइनस। ठीक है, यही बोल रहे ना? यस सर। तो हाँ, तो भरत ईशा, कार्बन बढ़ाना हो तो हम CN से चेंज मार देंगे, कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम CL से CN ले आएंगे कुछ भी करके, समझ आ रही बात? ठीक हो, CN ले आएंगे, कार्बन बढ़ गया, अब इसका रिडक्शन कर देंगे सिंपल, है ना, रिडक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5CH2NH2। ये सिंपल सा तरीका है, याद रखना है कार्बन इंक्रीज करने के लिए CN ले आते हैं, है ना। कोई बोले भाई इथेनॉल से कन्वर्ट करो, इथेनॉल से प्रोपेनामीन बनाओ, तो एक स्टेप और बढ़ गया बस, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड लाने के लिए मरत क्या करेंगे, इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, यस, जस्ट ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ ना, कंसीडर HCl भी कर सकते हैं, या फिर और बेटर क्या है वो SOCl2, है ना, बेस्ट मेथड क्या है वैसे, SOCl2, राइट भरत? थियोनाइल क्लोराइड, यस,
थायोनाइल क्लोराइड. वेरी गुड. वो तो बेस्ट मेथड है हमारा. SO2 और HCl निकलता है उसमें. ठीक है. KCN C2H5CN. सुन रहे बच्चों, ये यूज करो तभी याद रहेगा. जितना हम इनको यूज करेंगे करो. जी हो गया. ये तो यही हो जाएगा CN. पार्शियल हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था आपको. पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? CONH2. याद रखना है. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है RCOH और अमोनिया. और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमने किया था पिछले चैप्टर में RCONH2. ठीक है. ठीक है. समझ आ रहा है बात? ऑल राइट. और ये फिर NaOH ब्रोमीन से क्या जाता है? अभी पढ़ा हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. CO निकल जाता है. ऐसे याद रखो अच्छे से ताकि चीजें दिखाई देने लगे, सीधे सीधे समझ आने लगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस डायरेक्टली होने लगे. उसके लिए हमें सारी रिएक्शन जो चाहिए सारी याद होनी चाहिए. ठीक है. समझ आ रहा है भरत, ईशा, प्रणय, शिवानी? इसके बाद तो ये रिएक्शन कुछ आपको जो याद रखनी है. ठीक है. तो प्रिपरेशन हो गया हमारा. पहले चार थे रिडक्शन, फिर अगली दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एक है गैब्रियल एफ्थैलेमाइड सिंथेसिस और एक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. नेम रिएक्शन में भी आ सकता है बोर्ड वगैरह में और ऐसे भी. ठीक है. और जो प्रिपरेशन है वो एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया. ये अपना वही है
जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था और मैंने बोला था ये दोबारा से आएगा यहाँ पे एसएन2 याद है सबको, आर एक्स प्लस अमोनिया क्या मिलेगा, आर एन एच टू प्लस एच एक्स। समझ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया पे एल्काइलेशन हो रहा है, एच की जगह एल्काइल ग्रुप आ गया, एच की जगह क्या आ गया एल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री हमारी मिल गया। बस ये एक पंगा इसमें, ये चेन रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते इसको लेकिन क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, है ना। आपको बोल देंगे सिंगल कराना है सब्स्टिट्यूशन या डबल कराना है, जो भी कराना है, वरना ये चलता जाएगा, दूसरी बार दोबारा भी आ जाएगा, समझ आ रहे हो, फिर से अटैक हो जाएगा, दूसरे एच की जगह भी आर आ जाएगा, 2 डिग्री माइन भी बन सकता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 डिग्री माइन भी बन सकता है, समझ आ रहा है। एक और भी हो सकता है, 3 डिग्री माइन भी बन सकता है, चेन रिएक्शन चल गई। कहाँ जाके रुकती है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, सुना रहे हो, ये टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी और 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स पे जाके रुकती है रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, तो ये सारी बस रिएक्शंस हैं जिनको प्रिपरेशन ऑफ बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में आती है। क्लियर है, बड़ा समझ आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉमनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक दो चीजें नॉमनक्लेचर में भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसको आईयूपीएसी के हिसाब से बोलेंगे इथेन अमीन, आईयूपीएसी नेम इज इथेन अमीन, कॉमन इज इथाइल अमीन। हमें मेनली मतलब किससे, आईयूपीएसी से, तो आईयूपीएसी का तरीका क्या है बच्चों, इथेन अमीन। क्लियर एवरीवन, मीथेन अमीन, प्रोपेन अमीन, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेन अमीन। तो ये सिंपल सा नेमिंग हो गया 1 डिग्री का, 2 डिग्री के लिए लगता है थोड़ा सा स्टाइल है यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर का।
टू डिग्री का थोड़ा अलग तरीका है बच्चों, यहाँ पे टू डिग्री का क्या तरीका है ध्यान से रखना इसको। ऊपर जो CH3 CH2 NH2 है वो इतने ही नमीन है, अब इसमें इथेन अमीन में सब्स्टिट्यूशन हो गया मिथाइल का, नाइट्रोजन पे एक और मिथाइल आ गया, तो इसको इस तरह से लिखते हैं यार, एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है। समझ आ रहा है, एन मिथाइल, ये स्टाइल है लिखने का, अलग सा तरीका है, ठीक है भरत। तो नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो फॉर टू डिग्री माइंस हायर नंबर ऑफ कार्बन वाला मेन नेम हो जाएगा, हायर नंबर ऑफ कार्बन चेन बिकम्स पेरेंट चेन, smaller one becomes substituent on n nitrogen. 3 degree में भी ऐसे ही होगा। थ्री डिग्री में हम बोलते हैं NN dimethyl, दो सब्स्टिट्यूशन NN नाइट्रोजन पे, दो सब्स्टिट्यूशन है NN डाइमिथाइल इथेन अमीन। समझ आ रही बात सबको, ठीक है। ये देख लो बच्चों ध्यान से कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, NN डाइमिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो अब कुछ नाम लिख के बताओ, उनके नाम हाँ बच्चों ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एन इथाइल प्रोपेन अमीन, एन इथाइल प्रोपेन अमीन, और इसमें क्या करेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल, है ना, एन इथाइल एन मिथाइल अल्फाबेटिकली लिखेंगे जैसे सब स्टूडेंट्स को लिखते हैं,
ये थोड़ा सा अलग स्टाइल होता है जो अमाइंस में नॉमेनक्लेचर करने का, 11th में भी करते हैं बट यहाँ पे है ना भूल गए होगे अब तक तो, इसलिए मैं रिवाइज कर लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के। ठीक है भरत को याद होगा, भरत याद है ना ये 11th से ही? ठीक है बिल्कुल सिमिलर स्टाइल है जो एमाइड्स के लिए भी, एमाइड्स सिमिलर स्टाइल है एकदम, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इथेनामाइड। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन, बस सिंपल सा नाम है, इथेनामाइड प्रोपेनामाइड, एमाइड ग्रुप है। तो इसको देख के घबराना नहीं बिल्कुल, ये बहुत इजी है प्रोपेनामाइड, और इसमें भी वही है सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन पे होगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स। तो कुछ खास इसमें डिफरेंस है नहीं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होगा है ना। क्या बोलेंगे इसको, एन मिथाइल। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये मिथाइल यहां ना होता, NH2 होता, तो इसका नाम क्या होता, तो इसका नाम होता प्रोपेनामाइड। ठीक है प्रणय सुना रहा है, नॉर्मल सोचना। तो इस प्रोपेनामाइड में H की जगह CH3 आया है, तो एक सब्स्टिट्यूशन है, इतना सा सोचना है बस, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। भरत समझा रहा है, एनी डाउट? नो, ओके वेरी गुड। बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ तीनों का नाम लिखो।
बता दो हाँ जी कर लिया चो दोनों तीनों नाम लिख लिए बता दो प्रणय बता लिख लिए समझ नहीं आ रहा कौन सा लानी समझ आता सब पहले वाले में वो एन कॉमा एन डाइमेथाइल तो आ गया उसके बाद बेंजामाइड बेंजामाइड है ना बेंजामाइड और इनका इनके नाम तो क्या करते हैं बेंज लगाते हैं बेंजामाइड बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड है ना ये तो एरोमेटिक का नाम है ना बेंजामाइड बोलते हैं इसको समझ आ रही बात तो एन एन ठीक है याद रहेगा ये एन एन डाइमेथाइल बेंजामाइड बाकियों के बताओ सेकंड वाले का एन मिथाइल एन इथाइल उल्टा अल्फाबेटिकली है ना ठीक है भरत ईशा समझ आ रही बात कोई दिक्कत और लास्ट वाले का भारत भारत इसका नाम मीक यस सर इसका नेम क्या होगा पेंटानामाइड नो रॉन्ग वेरी रॉन्ग एन पे क्या लगा हुआ है भारत इसमें ये मेन ग्रुप है ना यही है ना मेन फंक्शनल ग्रुप सी एस थ्री समझ आ रही बात एन ब्यूटाइल मेथेनामाइड होगा इथेनामाइड दो ठीक है भरत समझ आ रहा है भरत इसमें देख कर कोई आपका एस्टर में भी कितने भी कार्बन लगे हो बाद में उससे कोई मतलब नहीं है बाद में चार लगा दू बाद में पांच लगा दू इट विल रिमेन ब्यूटाइल इथेनोएट है ना बिकॉज मेन ये है This is main. ए भरत ये main functional group होता है Carboxylic acid derivatives में C double bond O वाला ये वाला part important होता है ठीक है भरत तो सबको समझ आया चुकी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है क्लियर एवरीवन ओके आगे बढ़ते हैं
ये हो गया जो हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया और सारी की सारी प्रिपरेशन हो गई अमाइंस की। आगे मूव करते हैं रिएक्शंस पे। बहुत इजी सा चैप्टर है, इजी से रिएक्शंस है बट इम्पोर्टेंट है काफी। सबसे पहले हिंसबर्ग्स टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री माइंस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री माइंस में डिफरेंशिएट करने के लिए हिंसबर्ग ने एक टेस्ट दिया है। हिंसबर्ग जो रिएजेंट यूज करता है तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यहाँ पे हाइड्रोजन्स का खेल है पूरा का पूरा। 1 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2, याद ही आपको। तो ये जो रिएजेंट है बच्चों, इसमें सारी रिएक्शंस यहाँ पे वही होंगी। सब्स्टिट्यूशन, सीएल निकलेगा, ये अटैक करेगा उस पर सीएल निकलेगा, मतलब एचसीएल निकलेगा बेसिकली, एक एच निकल जाएगा और सीएल की जगह रिप्लेस कर देगा उसको कौन? एनएचआर। एचसीएल निकल गया यहाँ से, बचा क्या? NHR, वो सब्सटीट्यूट हो गया। ध्यान से देख लो उसको, रिएक्शन को। ठीक है, तो ये रिएक्शन होने के बाद अभी भी इसमें बच्चों एक एक एच है, सारा का सारा हाइड्रोजन का खेल है यहाँ पे। एक एच निकल गया 1 डिग्री अमाइन से HCl बना के, तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे वो सॉल्युबल होता है एल्कली या बेस में। क्यों? क्योंकि अभी भी एक एसिडिक एच है यहाँ पे, एसिडिक एच इज स्टिल देयर। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, ये रिएक्ट कर जाता है बेस के साथ। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो कैसे हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अगर कंपाउंड प्रेसिपिटेट बना रहा है जो सॉल्यूबल है बेस में, यानी कि वो 1 डिग्री अमाइन था, 2 डिग्री अमाइन के केस में क्या होगा? ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करेगा उसको, तो प्रेसिपिटेट तो बनेगा क्योंकि एच है इसके पास, ये भी अटैक मारेगा, एचसीएल निकलेगा,
लेकिन इसके पास एक ही एच था और एच निकलने के बाद अब इसके पास एच नहीं बचा, समझ आ रहा है? तो प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा बेस या एल्कली में, कोई दिक्कत, एच का खेल है पूरा का पूरा। अच्छे से याद करना है इसको, बहुत ही इजी सा है। और थ्री डिग्री अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एक भी एच नहीं है, तो वो HCl निकालेगा कैसे, प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। ठीक है भरत, प्रणय समझ आ रहा है? उसमें एक भी एच नहीं होगा है ना, थ्री डिग्री अमाइन में एक भी एच नहीं होता, सो नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? देख लो बच्चों, उसमें H का खेल है, 1 डिग्री माइंड में 2H होंगे, एक बनाने में, उसको बनाने में निकला है ना, एक निकला प्रेसिपिट बनाने में, लेकिन एक बचा तो वो सॉल्युबल हो गया बेस में प्रेसिपिट। 2 डिग्री में एक H था वो निकल गया, एक भी H नहीं बचा तो इनसॉल्युबल हो गया बेस में, और 3 डिग्री में एक भी H नहीं है तो वो प्रेसिपिट ही नहीं बनेगा। क्लियर एवरीवन? ये 3 केस हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट रिएक्शन तो ये टेस्ट की तरह यूज हो जाती ना। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, एसिटाइलेशन। जैसे एल्काइलेशन होता है वैसे एक होता है एसिटाइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। RNH2 कोई भी 1 डिग्री और 2 डिग्री ऑफ माइन, देखना भी क्या रिएक्शन होगा। एसिटाइल क्लोराइड से, क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल क्लोराइड, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, सीएल निकलता है, ठीक है, एचसीएल निकलेगा इससे, अभी जो ऊपर हो रहा था वही हो रहा है। ठीक है, तो एचसीएल निकला, CH3CONHR बना, क्या बना, CH3CONHR। समझ में आ रही बात? दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन ऑफ अमोनिया या अमाइन। अमाइन पे एसिटाइल ग्रुप आ गया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो पिरिडीन डाल देते हैं साथ में, पिरिडीन इज बेस, ये यूज भी पूछ भी सकते हैं, पिरिडीन क्यों डालते हैं, ताकि ये जो HCl बन रहा है उसको निपटा सके, उसको पिरिडीन हटाता रहेगा, बेस है, रिएक्ट करता रहेगा उसके साथ, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहेगा, आगे की तरफ जाता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा। समझ आ रही बात? एसिटाइलेशन के लिए 2 रिएजेंट्स यूज हो जाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी,
खुद से सोच के लिखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम होगा ऊपर की तरह ही, जैसे ऊपर हुआ वैसे नीचे होगा, बनाओ। सेम रिएक्शन है ना, ये अटैक लीव लीविंग ग्रुप, यहाँ से खुल, ये यहाँ से टूटते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना उसमें आप रिएक्शन में। और यहाँ पे बनेगा एसिटिक एसिड CH3COH, इसको भी पिरिडीन निपटा देगा, संभाल लेगा, रिएक्शन वापस उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलेगी। बता दो कोई दिक्कत इसमें, प्रणय सुन आ रहा है, कोई डाउट एसिटाइलेशन में? समझ गया, ठीक है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट इस रिएक्शन का एक यूज होता है, इम्पोर्टेंट यूज क्या होता है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाद में आपको फिर से आ जाएगा। एनिलिन है ना, जैसे वो फिनॉल कराता था ना, ट्राई सब्स्टिट्यूशन याद ही होगा, फिनॉल क्या कराता था, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, तीनों जगह आ जाते थे है ना, तो तीन तीन नाइट्रो लगा देता था, तीन तीन ब्रोमीन लगा देता था। यहाँ पे भी अनकंट्रोल रिएक्शन रहती है, NH2 और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसके रिएक्शंस कंट्रोल करने के लिए हम इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं, इसके रिएक्शंस कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका एसिटाइलेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडवांस के क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो चुके हैं एसिटाइलेशन से। अब ये कंट्रोल हो जाएगा, अब जब मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, बताओ कोई दिक्कत किसी को, समझ आ रही बात? NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग, ठीक है प्रणय, और NCOCH3 मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, COCH3 थोड़ा सा विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है प्रणय, फिर ये वापस, तो वापस NH2 में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, ये अब आराम से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मैंने बताया ऊपर हाइड्रोलिसिस से भी हो जाता है चीज, तो इस तरह से। ठीक है, तो कंट्रोल करते हैं, ठीक, हाईली एक्टिवेटिंग NH2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि रिएक्शन कंट्रोल हो जाए, वरना रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती NH2 वाली। और किससे कंट्रोल कर रहे हैं, एसिटाइलेशन से। भरत, क्लियर? ईशा, प्रणय? यस सर। ठीक है प्रणय, ये सब आपको बहुत मिल जाएगा क्वेश्चंस में, ये बीच में हमने
एसिडाइलेशन कराया, पिरिडीन के साथ एसिडाइल क्लोराइड डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, समझ जाना भाई एसिडाइलेशन करा रहे हैं, सिंपल है ना, कंट्रोल किया फिर रिएक्शन कराया और फिर वापस उसको कन्वर्ट कर दिया NH2 में। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे उसको, है ना, नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। ओके फाइन भरत, चलो बाय बाय।